देवभोग पुलिस ने 4 साल बाद दहीगाम मर्डर मिस्ट्री का हुआ खुलासा किया। पूर्व थानेदार ने मामले की फाइल बंद कर दिया था। 06 जून 2020 को दहीगाम निवासी ठचकेतन रजत गंभीर हालात में गांव के पुलिया के पास पाया गया था। इलाज के दौरान उड़ीसा धर्मवीर अस्पताल में हो गई थी मौत। मृतक के पिता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर हत्या के संदेह में पुनः प्रकरण पर की थी जांच की मांग। एसटीओपी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की जांच और आरोपी सामने आए। इलाज के दौरान उड़ीसा धर्मवीर अस्पताल में झांकेतन रजक की हुई थी मौत। सर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। शराब बेचने को लेकर हुई थी मारपीट। आरोपियों ने झकेतान रजक के सिर पर पत्थर से की थी चोट। पूर्व थाना प्रभारी भी संदेह के घेरे में। मृतक के पिता ने पूर्व थानेदार पर लगाया गंभीर आरोप। हत्या के आरोप में देवी सिंह प्रधान और साक्ष्य छुपाने के आरोप में मृतक के चचेरे भाई हेम सिंह रजक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवभोग पुलिस ने 4 साल बाद दहीगाम मर्डर मिस्ट्री का हुआ खुलासा किया। पूर्व थानेदार ने मामले की फाइल बंद कर दिया था। 06 जून 2020 को दहीगाम निवासी ठचकेतन रजक गंभीर हालात में गांव के पुलिया के पास पाया गया था। इलाज के दौरान उड़ीसा धर्मवीर अस्पताल में हो गई थी मौत। मृतक के पिता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर हत्या के संदेह में पुनः प्रकरण पर की थी जांच की मांग। एसटीओपी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने की जांच और आरोपी सामने आए। इलाज के दौरान उड़ीसा धर्मवीर अस्पताल में झांकेतन रजक की हुई थी मौत। सर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे। शराब बेचने को लेकर हुई थी मारपीट। आरोपियों ने झकेतान रजक के सिर पर पत्थर से की थी चोट। पूर्व थाना प्रभारी भी संदेह के घेरे में। मृतक के पिता ने पूर्व थानेदार पर लगाया गंभीर आरोप। हत्या के आरोप में देवी सिंह प्रधान और साक्ष्य छुपाने के आरोप में मृतक के चचेरे भाई हेम सिंह रजक को पुलिस ने किया गिरफ्तार।